ओवर एक्टिंग कर रही हूँ जा रही है, मुझे तो महंगा पै गया ये व्याज चैलेंज। को दिखाओगी गली में बच्चों को डराने जा रहे हैं, चलो चलते गली तक नहीं हुआ है तो चलो गली में बच्चों को डराने चल। हाथ धोए थे वैसे ही बताओ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस मजेदार ये होने वाला है कि आज मुझे स्पैरो कहेगी सेइंग यस फॉर 24 आवर्स के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मजेदार आज क्रेजी चैलेंज होने वाला है। तो स्पैरो मुझे सेइंग यस करना 24 आवर्स के लिए। तो उस पर तुम्हें किसा का लगा था मुझे यस चैलेंज करना सारे दिन के लिए? बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इसको वैसे भी यस ही करती रहती हूँ सारा दिन झूठी। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बहने एक दूसरे के कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। एक दो काम कर देती है उसमें भी कह रहे हो तुम्हारे से यस करती, लेकिन आज मैंने वो काम करवाने वो काम करने किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस आज का हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का ये चैलेंज बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा मजेदार से आइडिया सोचे इसको तंग करने के लिए। मैंने स्टेटस भी लगाया था, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि साथ ये करो ये करो। मैं आपको साथ साथ उनका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या क्या कहा है। तो अभी सबसे पहले क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, इतनी सुबह नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ कह रहा तुमसे अपने ना मतलब आज का सबसे फर्स्ट मील दिन की तुमसे बनवाती हूँ। तो वैसे तो मामा नाश्ता हमेशा मामा खाना बनाती है ना, नाश्ता भी बनाते हैं, हर चीज मामा करते हैं। तुमने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया तो तुम तुम मेरे जाऊँ ला के पराठा और साथ अंडा मैं खाऊंगी। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी। ऐसा बोलो पहले सबसे पहले जी सबसे तुमने मेरे लिए अभी बनाना है अंडा पराठा। कौन सा अंडा खाना है? अंडा मेरे लिए नमक मिर्च वाला, नमक मिर्च कह रही हूँ वो वाला नहीं मुझे आता जो तुम्हारा वो तुम्हारे। मैं साथ में तुम्हें बताऊंगी तुमने ही बनाना, चलो जल्दी से बनाओ। मैं आज तुम्हें देखूंगी और तुम बनाओगे मेरे लिए। नई बात है ना ये, चलो जल्दी करो आप जल्दी से आने वाला है यार। मेरे कपड़े पहने मैंने आगे आई हूँ। कपड़े पहने तो तुम्हें किसने कहा था? चलो जल्दी से चीजें निकालो और मेरे लिए बनाओ पराठा। तो गाइस स्पैरो अंग्रेज बनते हुए ऊपर एप्रन पहन रही है कि मैंने ऑर्डर रोटियां पकानी है तो मेरे कपड़े ना खराब हो जाए। तो रोटियां नहीं रोटी सी रोटी। तो ये अभी ना मैंने जब उधर गई थी ना कमाओ गई थी मामा मैंने सच्ची में बनानी हूँ मामा आपने आदत मैंने तुमसे जो कहा है तुमने बना लिया। मेरा कैमरा ऑन है और तुमने ही बनानी है। वेरी फनी नहीं जल्दी से बनाओ। रोटी बनाते इसका हाथ जलने लगा था, अभी बनाने से पहले ही ये जलने के राख होने लगी थी, बच गई है बस था करके क्या हुआ था। जल्दी से तो रोटी बना, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं आज जितनी मर्जी बहाने बनाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लचक ये इसी तो लचक वाले ही होते है। हाथ धोए थे वैसे ही बताओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब स्पैरो अपने प्रोफेशनल तरीके से पेड़ा बनाते हुए। मेरे पेड़ा ना दिखाओ नजर लग जाएगी। वुमेन रोजे उधर बना रही है मतलब मेरा पराठा और अंडा बना रही है। मतलब पहले ही मतलब स्टार्ट में उसे मैंने बनवाने लग गई खाना ही मतलब वगैरह। तो अभी मैं बस बाहर देखने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है प्यारा मौसम वगैरह प्यारा हो रहा है। देख सकते कितना हसीन और जमीन मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी मुझे लग रहा है, फिर कतरा गिरा है। शायद बारिश भी हो जाए तो बारिश में मैं इसको तंग करूँगी, बड़ा मजा आने वाला है। अभी मैं पहले सिर्फ देख दूँ कहाँ तक पहुँची है वो रोटी बनाने में। अरे सुराख क्यों है इतने ज़्यादा, क्या तुमने बनाया? अरे हरे स्पैरो का पराठा जो पता नहीं क्या ही लग रहा है। क्या लग रहा है, सही लग रहा है, आराम से बात करते ये कितना प्यारा बने। इसको मैं साथ साथ कुकिंग भी सिखा रही हूँ। मुझे कपड़े लेके आओ बाहर से, तुम्हारा यार चले जब तुम लेके आओगे तब मुझे कपड़े लेके आने पड़ेंगे बाहर से क्योंकि उठ जाना है। अरे बच्चों इधर आओ, हाँ। कपड़े उतारो जल्दी जल्दी से। तो गाइस आज हमारा मशीन भी देर था, अजान उमर के दोस्त आए तो इनको काम लगवाने इधर चलो चलो कपड़े निकालो जल्दी से। क्यों मजा क्या तुम रोजाना आ जाओ, तुम्हें कोई मैंने कोई काम नहीं, कपड़े से बारिश हो रही है जल्दी से। बड़े बदतमीज है बच्चे आजकल के। यार चैलेंज में स्पैरो का कर रही थी, हो गया गया सारे कपड़े नीचे गिर गए। बंदे ले भी जाते हैं अब कपड़ों को। मेरे से काम करा रही थी खुद कर रही है, अब मान गया तेरा अंडा पराठा। चलो मैं जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ में हो गया कोई बात नहीं, वैसे भी सारे बारिश होने लगी है। मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो गया, मेरे बाल वगैरह भी उड़ रहे हैं और स्पैरो का हशर नशर भी उड़ गया। तो मेरी चोरी कर रही हो,
सर मैंने अपने लिए बनवाया था जो कितना अजीब सा लग रहा है, कच्चा कच्चा पता नहीं क्या अजीब सा बनाया है, क्यों मैंने खाया, मैं इतनी भूख लगी है। अभी यहाँ पे मेरा बनाया हुआ खाना ठूसते हुए आप देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। जैसे कि आप देख सकते हैं सर ने कच्चा मच्चा पराठा इतना भुगवा सा पराठा बनाया है, उसको बहुत ही खराब से पहला वाला सेंग गया बहुत खराब से, लेकिन अब दूसरा जो उसको सेंग गया साइड लगी उसके लिए बहुत मुश्किल है। इधर आ जल्दी से, मेरा हाथ सर गया था बेचारे तो कच्चा है। सामने जाकर बारिश हो रही ना तो 5 मिनट थोड़ा खड़ी हो नहीं तो मैं नहीं इस पर 5 मिनट तो मेरे देंगे यस कहना है तुमने, चलो जल्दी जाओ मामा ये आपकी बेची पर शायद दूध चलो 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 फिट बट्टा नहीं तो 5 मिनट खड़ी हो है मैं की खड़ी हो रही चलो 5 मिनट खड़ी हो रहा है इतनी तो तेज बारिश नहीं हो रही इतनी तो तेज बारिश नहीं हो रही 5 मिनट ऐसे खड़ी रहना तूने बारिश आजकल ऐसी ही बारिश हो रही है धूप के साथ बारिश चल रही है और तुमने अभी ना इधर ना शाहरुख खान वाला पोज करो चल जल्दी जल्दी व्हाट इज ये तो नहीं है शाहरुख खान वाला पोज फिर क्या है दूसरा उस तरफ मुंह करो उस तरफ मुंह भाई मेरे ऊपर की बारिश पड़ी है सही हो रही खुल के जोर से बोल मैं पागल हूँ व्हाट इज दिस जल्दी से बोल चल बोल तू कोई बात नहीं क्यों अंदर की जा जल्दी से बोल अभी बोल चल चल जल्दी कर सारे तुझे तो देख रहे ऊंची बोल व्हाट इज दिस मुझे भी नहीं आवाज आई ऊंची मैं पागल हूँ मुझे कोई नहीं आवाज है स्पैरो फुल ऊंची मैं पागल हूँ व्हाट इज दिस ये क्या था स्पैरो कोई नहीं 10-15 लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने सच में मानना है तुझे क्या मानो उन्होंने क्या हो तो अपने आप को करे कौन हमको कह रही तेरे फजूल स्पैरो तूने कहा 5 मिनट तूने चल खड़ी हो अभी तो गीली होनी चाहिए अचानक से बारिश बहुत आहिस्ता हो गई है पहले बहुत तेज थी मैंने कहा बच्ची पे जुल्म हो रहा है सरेआम देख रही हो एक और मेरे पास एक आइडिया है इस बार तुमने अभी एक गेटअप बनाना है जो तुमने मतलब सारा दिन आज वो ही गेटअप में रहना है तुमने आज कौन सा मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सा बात मेरे शक्ल ही नहीं नजर आ रही इधर तो इसको भी मैं कोई गेटअप इधर आओ तुम्हारा भी गेटअप करते हो तुमने सारा दिन उसी में जाना उसी में शॉपिंग नहीं ये कोई नहीं है ये कोई नहीं है मैं ये रहती है मैंने तुम्हारी बार ऐसा कुछ किया था नहीं तुम करवा लेती मैं तो भी तुम्हें कहा था ना सेम गेस्ट ना हो तो निशान लगाऊंगी और इसका सारा दिन वैसे ही रहना है कोई नहीं या तो फिर वैसे कर तुम नीचे मुंह पे ऐसा करके तो छोटा सा ही है इसका तो ये वाला मोटा तेरा मुंह हो गया चल कोई बात नहीं नीचे क्यों फेंक रही हो अपने हाथों से पहनो इसको पहनो जल्दी से स्पैरो चल पकड़ ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ है परमानेंट मार्कर सूख के देख रहे दो मैं अपने मुंह का बेरा करने अच्छा इसको नहीं तो कोई और ले लेते हैं ब्लैक कलर का लाइनर या कोई चीज उससे करते हैं मासूम सी बच्ची बन के बैठ गया तो अभी मैं इसका मेकअप करने लगी ऊपर करो मुंह इतना मुंह में घुसा दे मेरे ये ले चलो चल स्पैरो तू कैमरा पकड़ेगी मैं तेरा मेकअप वगैरह करूंगी मैं कहां से पकड़ूं हाथों से वाह इधर दिखाना ये मुझे नहीं व्लॉगिंग कैमरा पकड़ना आता चलो ना पकड़ तेरे में ब्लैक कलर की मामा की आईशैडो बिकवास कर रही है बेकार कर रही है करूँ मैं इसका मुंह का क्या करूँ ज्यादा ना करना मेरा एक धूल जाएगी आंखें बंद कर इतनी तो मेकअप आर्टिस्ट है
मैंने देखना पार्ट थ्री करना, उसमें मैं तुझे फिर ऐसे करूँगी। तो कर ले दूसरियाँ अगर निकाल के दूँ तुझे ज़बरदस्ती मेरे से यस चैलेंज करवाते हुए। तो को किसको शौक होता है यस करने का? इतनी बकवास है, ये भी नहीं पता किस एंगल से यस शैडो लगाना होता है। बड़ी मेकअप ओ पागल, तो क्या करना चाह रही है तो मेरा रुक जा। दन 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 दन। वैसे मुझे कुछ और नहीं था मिल रहा था उसके, अभी आईज मेकअप हो गया। तुझे पता कोई लंबी चवड़ी मारी होनी है। नहीं अभी तो और करना, रुक जा। देखे कौन सा करेक्टर याद आ रहा है, वो जो डिज्नी मूवी का करेक्टर है, वर्ड्स कलर इज द स्काई एंड यमोर एंड यमोर, यू टेल मी दैट इज रेड एंड यमोर एंड यमोर। अभी इसके बाद अभी और मेकअप रहता है, अभी मैं इसके और मेकअप करके फिर आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। इतना खूबसूरत मेरे तो इतनी ड्रोनिंग लग रही है। मुझे घर जाना। ये लोग मुझे कहते ना हमने तुम्हें कूड़े से उठाया, प्लीज मेरे जो सर माँ बाप है मुझे ले जाओ यार, मुझे इन्होंने पास कर देने कसम से। हमारा देख के उसको हंस रही है, हमारा तो मेरी दोस्त नहीं है, तो मेरे पे हंस रही है। इधर दिखा भी रहता है तो अभी मैंने इसका इतना किया है, पहले तो सही वही लग रहा है, कितना अच्छा मेकअप किया है, बड़ी अच्छी। मैं मुंह के अंदर ही घुसा पागल। अभी इधर भी करना होता है ना, अभी मैंने फाइनल नहीं हुआ, अभी फाइनल टच में गाइस आपको दिखाती हूँ। इसके बाद बता रही हूँ मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं इस घर में मैं अपना सामान पैक करने लगी हूँ, मैं बस जा रही हूँ, आई एम डन विद दिस हाउस। नहीं तो जा रहे यार तू, कुछ बड़ी ऐसे कर रही है, पता नहीं कितनी प्रोफेशनल ऑर्डर बदल प्यारा मेकअप किया तू। चलो वाह पैरा, तू तो वही लग रही है, कितनी कमाल की लग रही है, वाह खड़ी हो। इधर खड़ी हो। चलो गाइस आपने मुझे कमेंट में बताना कि मेरा मेकअप किस तरह का लगा। चल भी तुम इधर ही रह गई, मैं भी बोल तुम मेरे साथ जाओगी नीचे, चलो कोई चले। नीचे ये जाती है। क्यों क्यों उस पैरों तुम जाओगे मेरे साथ नीचे और सबको दिखाओगी गली में बच्चों को डराने जा रहे हैं। चलो चलते है तो चलो गली में बच्चों को डराने चल ना चल। वैसे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो हम जा रहे हैं थोड़े दिन। चलो अभी मैं और पैर जाने लगे जा रहे हैं। जल्दी कर, तूने मुझे गैस का कहा था पहले, जल्दी चल स्पैरो जल्दी आ, कोई बात नहीं तो बस तक करो लाइक यस पर ऐसे तो बच्चे। दिस इज ए पबजी प्लेयर, इनको फर्क ही नहीं पड़ना। दिस इज उमर, दिस इज जान, दोनों नहीं रहे। दिस इज मतलब शी इज उमर, शी इज नहीं दोनों शी इज ही है। तेरे सारे इधर स्पैरो कह रहे, स्पैरो तो हॉरर पर रहे करेगी, फेमस हो जाएगी। लड़कियां लड़कियों को भेजूंगी बस, लड़कियों लड़कियों। किस तरह का लग रहा है मेकअप बताओ? बहुत बाहर चल रहे अब हमने बाहर चल लिखा हुआ है भी मंगवाना था, कितना अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्वेर से और क्या सेइंग यस करवाऊँ। मैंने जो सोचा था कि हम लोग बाहर जाके इसको कहेंगे वो भी मैंने वो करना है, लेकिन थोड़ा शाम हो जाए बहुत धूप है बाहर, तो इसलिए मैंने कहा बाद में जाते हैं, जो गर्मी लग रही थी तो और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। स्वेरो मैं आगे जाते थे सर्द बहुत।
जल्दी से आओ, जल्दी से आओ प्यारो। मैं तुमने मुझे से इंगेस करी पर बहुत ज़्यादा चीटिंग करी, इतनी कुछ चीटिंग करी तब गोंगा से ही इंगेस करी से, मैं कुछ भी करती हूँ आगे से जिद करती है। जल्दी से आओ सर, मैं सर दबा पड़ी हूँ। चलो आप भी बोलो सीधा तापी होगी, सीधा तापी बोलो। 2000 years later. मैं सो भी, क्योंकि मैं आज भूल चुकी थी कि मेरा चैलेंज है, तो मैं सो चुकी थी 2 घंटे के बाद। अभी मैं उठी और स्पैरो भी मेरे साथ ही थी, सोई सूरत, अभी भी इसकी सोई सूरत ही है। तो स्पैरो क्योंकि मैं आज मार्च गैस चैलेंज कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा बहुत ही हल्का चल रहा है इसके साथ में, बहुत ही लाइट मतलब वे से चैलेंज कर रही हूँ, तो तुम्हें कुछ बड़ा नहीं दे रही। तो अभी भी देख सकते हैं कितनी सोई सूरत शक्ल इसे बनाई हुई है, इतनी बसूरी शक्ल इसे आज तक नहीं बनाई। स्पैरो तुम्हें मैंने डेयर के हंसो हंसो खिल खिल के हंसो और हंसो जोक मार रहे या हंस रहे हल्का हंस और हंसो। जबरदस्ती सा रही है तुम, जबरदस्ती से बार तुम बहुत ही फजूल सा जैसे चैलेंज कर रहे हो। तो मैं जो कह रही हूँ कुछ नहीं मान रही है, इतना जुल्म कर दिया मैं भी तेरे, कौन सा तुम्हारे पे इतना जुल्म किया है। तो अभी मैं तुम्हें एक काम ये मेरी सॉक्स है, अभी मैं बिल्कुल धुली हुई है, बिल्कुल साफ सुथरी है, तो इसको सुनो चबले ना मारा, स्पैरो पकड़ो इसको साफ सुथरी है। चलो स्पैरो यस कहना था, यस यस सुनो सुनो, ये कोई बात नहीं होती है, सुनो स्पैरो जल्दी से करो, जल्दी करो। तू सुन के दिखा रहा जल्दी से स्पैरो, तुमने मुझे आप ही कहना था, तुमने मुझे जब तक सारा दिन है ना आप जितना भी रहेगा उसमें तुमने मुझे आप ही कहना है। जल्दी करो, जल्दी करो, पता नहीं तुम चीटिंग कर रही हो अब। चलो जल्दी सुनो करो सर, चल ये क्या अपने हाथ उंगलियों नहीं सूंघनी, चबले ना मार, तेरे पांव में तो थी ना ये जादुलियो, सीरियस ना करिए। पर मजा कोई नहीं आया मुझे तुम्हारा, जरा भी मजा नहीं आ रहा इसका, यार चैलेंज का फजूल चैलेंज कर रही है। अभी जो तेरे वो हो गए बे, क्या हो रही है अभी जो तुम्हें, और मैंने मदद से खाना है एक और चीज, ये पाउडर पकड़ के अपने सारे मुंह पे लगाओ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से मुंह पे लगाओ पाउडर ये, मैं तुम्हें इसके बाद एक और टास्क भी देना, जल्दी से पहले पाउडर लगाओ फिर हमने बाहर जाना है, इसका मैंने एक और टास्क कहना है, जल्दी 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 पाउडर लगाओ, चल जल्दी से। पहले पता था कि तूने पाउडर मेरे मुंह पे लगवाना है, तो जल्दी से पहले मुंह धो के आ, चलो जल्दी से मंगाओ पूरे मुंह पे अपने पाउडर, सही अच्छे तरीके से लगाना। चल जल्दी कर, मैं तो नीचे ना ना करा ऊपर सिर्फ लगा करके, तो जल्दी से मुंह पे लगा लो, ऐसे नहीं लगा सही अच्छे तरीके से लगाते हैं, मैं थप्पड़ मारना ऐसे ना लगाना, मैं तुम्हें कहा समझ आप ही कहना है, आप मैं थप्पड़ मारना ऐसे ना लगा। ये किस तरह का पाउडर है, व्हाट इज दिस, ये क्या किया, कपड़े तुम्हारे खराब हो गए हैं, तुम नहीं मान रही, चलो जान हो गई है। क्या हुआ, तो मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे यस चैलेंज बहुत महंगा ही पड़ रहा है। बैरवा के साथ गैस चैलेंज करना बहुत ही फजूल काम है, मैं आपको लोग पहले बता दूँ, तो मैंने स्पैरो को डेर दिया कि ना मतलब ये हम फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उनके घर जाके ना तो स्पैरो उनकी घर के थोड़े से बर्तन धोएगी, हम बहुत मजा आएगा, और चलते उनके घर में आपको जाके दिखाती हूँ कि स्पैरो के साथ बर्तन धोनी, घर में तो बर्तन धोती है, लेकिन मैंने कहा दूसरे घर में बर्तन धोते हैं, बर्तन धो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस हम लोग आए अयून के घर, अयून तो घर पर नहीं है लेकिन बस उसकी मामा घर पर, लेकिन मैंने स्पैरो को बर्तन धुलवा दिया, लेकिन आंटी ने पहले से धो के सारे बर्तन रख दिए, अब स्पैरो क्या करे, तुम्हारा तो ये डेर नहीं हुआ, तुम्हारी आज किस्मत बहुत अच्छी जा रही है, आज बच्चे भी मुझे कोई नहीं, सारा ब्लॉग नहीं पता।
इसको मैं बर्तन धुलवाने थे आंटी, आप लोग पुराना बर्तन ढूंढ ही ले, मैं इससे धुलवाऊँ फिर वो हम इसे बर्तन धुलवाने के लिए आए हैं, तो अब सारे तुम्हें धोना ही पड़ेंगे बर्तन, चाहे तो मैं धुला हुआ बर्तन धोना पड़ेगा। चलो जल्दी से उठ, उठ जा, उठ जा जल्दी से। आंटी दिखाए मुझे कोई बर्तन, इसका सेट दे अभी मैं इसे बर्तन धुलवाती हूँ। वो कह रही है मेहनत नहीं होती, बड़े थोड़े से ही बर्तन आंटी धोने वाले हैं ना, ये नहीं धुल रहे हाँ ये धोने वाले। चलो सर इसको धो लो, चलो जल्दी से करो, चलो चलो चलो। मैं थोड़े हिस्से के काम कर रही हूँ बेचारी का, अभी बर्तन धोते ही अभी आके बर्तन जल्दी से शुरू हो जा स्पंज आंटी इसको आंटी किसे कह रही तुम्हारे पीछे आंटी कह रही है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बर्तन धो। चलो सारा शुरू हो जा। चलो शुरू हो जाओ, लाइट का बर्तन धो। सबसे पहले से एक बर्तन धोया, दूसरा सर से अच्छी अच्छी तरह से धोना। किस तरह का लग रहा है अयून के घर बर्तन धो के? मेरी दोस्त का घर से मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। अयून आज घर नहीं है लेकिन उसे देख के बहुत मज़ा आ रहा था। चलो इसे धो, चल जल्दी जल्दी साफ साफ धोने, अच्छे तरीके से आंटी को पसंद है। हाँ शाबाश आंटी, ना पसंद आए दोबारा धो लेना। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस काम करके, उसके साथ बर्तन धुलवा के। लेकिन अभी मैं तुमसे ना एक और भी करवाया डे, वो मैंने बाहर जाए करवाया तुमसे। चल जल्दी कर आंटी, कोई और काम भी है बता दे कर देगी। वो कह रही कहा भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? चल चल तू बर्तन दो आंटी। एक्चुअली मैं सिर्फ बर्तन और घर काम कर सकती है, घास वास का काम उससे नहीं होता है आंटी। मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, प्रोसेसिंग पे हूँ। हाँ वो प्रोसेसिंग कटवाई है? हाँ वो कह रहे हमने कटवा ली हुई है घास का मालिक से। चल जल्दी साफ कर पैरों के, तकरीबन बर्तन जो है पैरों। किस तरह की फीलिंग आ रही है? जब मैं अपने घर धोती हूँ वो वाली फीलिंग आ रही है। चलो आंटी कह रही बस करो, चलो जिस तरफ से धो लिया बर्तन। इसको नहीं मेरा तो दिल कर रहा है इधर से भी कोई और बर्तन ढूंढ ढूंढ के तुम्हें दे दो, और कौन धो लो इसको आंटी। ये वाइट वाला सही है, हाँ इसमें रख दो। चलो इसे मैंने जो देर करवाया था बहुत मजा आया है। हमारा सिंग गेस्ट चैलेंज खत्म होता है स्पैरो के साथ। स्पैरो फाइनली बोलता खुशी है कि आज सिंग चैलेंज का खत्म हो चुका है। तो स्पैरो तुम्हें आज किस तरह लगा? तुमने मेरे सिंग गेस्ट किया था, मेरा आज का दिन सारा बेकार गया है। लेकिन इसे बहुत ज्यादा काम में ना भी किया स्पैरो, तुमने इतना कोई अच्छा नहीं किया। आज का हमारा ये गेस्ट चैलेंज काफी अच्छा लगा होगा, मुझे भी मजा आया, आप सब को भी मजा आया होगा। लेकिन अभी मतलब पूरी रात भी पड़ी है तो मैं इससे मतलब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकती है चैलेंज, क्योंकि मैंने सुबह जा रहा है कॉलेज और मुझे सोऊंगी तो फिर सुबह मैंने उठना भी है। तो इस वजह से इसलिए मैं चैनल के जरिए खत्म कर दूँ। मुबारक हो तुम्हें ये चैलेंज, क्योंकि तुम कह रही शुगर मना रही हो। अगर मैं सोती ना एकदम दोपहर में तो इस पर ना मैंने इससे ज्यादा काम करवा लेते, बस सो गई थी ना इसकी वजह से ज्यादा थोड़ा काम करवा लेते। मैंने बहुत कुछ करवाया था। आई होप सो आपको आज का हमारा अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया। अगर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। इस तरह के जबरदस्त चैलेंजेस के लिए, जबरदस्ती वाले ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो अगर आपने मुझे बताना है कि मैं नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करूँ या प्रैक मुझे बताएं, कोई मैं स्पैरो के साथ करूँ या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ करूँ, तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बाय।